पेठा का इसके अंदर कोई भी चीज की आप मिलावट नहीं कर सकते, इसीलिए ये व्रत में चलता है पेठा। सबसे पहले आगरा में इसका निर्माण हुआ था। पेठा तो आप सभी ने खाया होगा, लेकिन ये बनता कैसे है और क्यों है आगरे का ही पेठा मशहूर, आज हम आपको न सिर्फ बताएंगे बल्कि बनते भी दिखाएंगे। और हाँ, ये भी बताएंगे कि पेठे का आखिर ताजमहल से क्या कनेक्शन है। आज बाजार में कई तरीके के पेठे आपको दिख जाएंगे जो अलग अलग आकार और रंग के हैं। इनमें पान गिलौरी, गुजिया पेठा, लाल पेठा, शाही अंगूर और गुलाब लड्डू पेठा तो अब खास मिठाई में जगह बना चुके हैं। लेकिन एक ही दिन में इसकी इतनी सारी वैरायटियां नहीं आईं। समय के साथ पेठे की बढ़ती मांग को देखते हुए दूसरी मिठाइयों की ही तरह इसके कारीगरों ने पेठे में भी कई प्रयोग किए, जिसके बाद आज 15 तरह से भी ज़्यादा पेठे बनने लगे। 1958 के बाद जब पेठे में पिस्ता, काजू, बादाम का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इसके आकार और रंग में भी बदलाव शुरू हुआ। साल 2000 में तो सैंडविच पेठा भी आ गया। जब से सैंडविच पेठा बनना शुरू हुआ है, इसके कारीगरों ने पान गिलौरी भी तैयार कर दिया, हूबहू पान की तरह दिखने वाला हरा हरा पेठा, जो कि शादी या पार्टियों में खूब पसंद किया जाने लगा। बस फिर क्या था, इसके बाद पेठे की और कई वैरायटियां तैयार होने लगी। इसमें मुख्य हैं सादा पेठा, अंगूरी पेठा, केसर पेठा, लाल पेठा, केसर अंगूरी पेठा, कोकोनट पेठा, चेरी खस पेठा, चेरी मैंगो पेठा, चेरी केवड़ा पेठा, चेरी केसर, कंचा पेठा, रसभरी पेठा, संतरा पेठा और यहाँ तक कि चॉकलेट पेठा भी। अब तो शुगर फ्री पेठा भी आ गया है। आगरा में बने पेठे को इसके मूल स्थान को प्रमाणित करने के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है, जिससे पेठे की पहचान न सिर्फ आगरा से हमेशा जुड़ी रहेगी बल्कि इसे बनाने वालों को उचित दाम भी मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में 1500 से ज्यादा पेठा इकाइयां हैं, जहां हर रोज 700 से 800 टन पेठा तैयार होता है। आमतौर पर मिठाइयां खोया, छेना, मावा या बेसन से ही तैयार होती हैं, लेकिन आज हम जिस पेठा मिठाई की बात कर रहे हैं वो एक फल से तैयार किया जाता है। जी हाँ, वो है कुम्हड़ा। वही कुम्हड़ा जिसे कहीं कहीं कच्चा पेठा भी कहते हैं। पेठे के बढ़ते कारोबार की वजह से करीब 150 दिन में तैयार होने वाली कुम्हड़े की फसल किसानों में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। देश के कुछ राज्यों में इसे खभा भी कहा जाता है। इसकी खेती उन्नाव, बरेली, इटावा, कानपुर देहात समेत कई जिलों में होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे भथुआ कोहड़ा, भूरा कद्दू, कुष्मान या कुष्मांड फल के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि कद्दू की इस प्रजाति की मार्केटिंग में किसानों को किसी तरह की परेशानी से नहीं जूझना पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर पेठा मिठाई के कारोबारी इसकी तैयार फसल को खेतों से ही खरीद लेते हैं। पेठा बनाने में इस्तेमाल कुम्हड़े की मांग आगरा, कानपुर और बरेली की मंडियों में खूब ज़्यादा है। सबसे पहले आगरा में इसका निर्माण हुआ था। फल है, दूध है और चीनी। शुद्ध मिठाई है, व्रत में भी खा सकते हैं इसको। पेठा बनने की शुरुआत कब और कहां से हुई, इससे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। ज्यादातर रिपोर्ट और इतिहास के जानकार हालांकि इसे शाहजहां से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं इस मिठाई के बनने की शुरुआत शाहजहां की रसोई से उस समय हुई जब उन्होंने एक ऐसी मिठाई बनाने को कहा जिसका रंग ताजमहल की तरह शुद्ध और सफेद हो। बस फिर क्या था, जुट गए सभी खानसामे ऐसी मिठाई बनाने में और कड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुआ सफेद पेठा। आगरा के बुजुर्ग तो एक और किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मुमताज महल खुद कभी कभी इसे बनाकर शाहजहां को खिलाती थी। एक कहानी ये भी है कि 1631 और 1648 के बीच जब आगरा में ताजमहल बन रहा था, तब उसके मजदूरों को हाथ तोड़ मेहनत के बाद हर रोज कुछ मीठा देने के लिए एक ऐसी मिठाई तैयार की गई जो सस्ती भी हो और आसान भी। चलिए
कहानी के बाद अब आपको बताते हैं आखिर आगरा का ये मशहूर पेठा बनता कैसे है। पेठा बनाने के लिए इस फल को चार टुकड़ों में काटकर बीच का हिस्सा निकाल दिया जाता है, बाकी बचे हिस्से को नुकीले औजार से गोदा जाता है। पेठा मिठाई बनाने में कच्चे पेठे का सिर्फ 40% हिस्सा ही इस्तेमाल में आता है, बाकी 60% बेकार हो जाता है। 100 किलो पेठा मिठाई बनाने में 150 से 200 किलो कच्चे पेठे की ज़रूरत पड़ती है। पेठा हम जब काटने चालू करेंगे सुबह हम 5 बजे लगेंगे तो हमें शाम को 6 बज सकते हैं। ये नहीं है कि हम 4 बजे ख़त्म कर लें, क्योंकि उसमें जब तक हम टाइट नहीं करेंगे, जब तक पीस नहीं कटेंगे, जब तक यहाँ चीनी नहीं पकेगी, जब तक उसकी हम धुलाई नहीं कर सकते, जब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। XYZ लाइट चली गई तो पूरा दिन पूरी रात हमें निकल जाती है। कभी कभी तो लाइट चली गई तो दिन में नहीं काम हो पाया तो रात में कर रहे हैं। फिर इस काम को रोका नहीं जाता, अगर इसे काम हमको रोक देंगे तो ये माल सारा ख़राब हो जाएगा फेंकने लायक, और जब पक जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा, फिर इसे कोई दिक्कत नहीं है 1 महीना। और कच्चा ही अभी अगर हमने कोई काम आ गया, अगर हम चले गए कहीं, तो ये सारा माल फेंकना पड़ेगा। चूने में से निकलने के बाद फिर इसका सड़ने का काम चालू हो जाता है। इसके बाद सांचों की मदद से अलग अलग तरह के आकार दिए जाते हैं। फिर बारी आती है चूने के पानी में करीब 1 घंटे तक रखने की। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेठा उबलने के बाद भी कड़ा रहे। चूने के पानी से निकालने के बाद इसे उबाला जाता है। उबलते पानी में थोड़ी फिटकरी डाली जाती है ताकि चूना पूरी तरह साफ हो जाए। अच्छी तरह पानी से धोने के बाद चीनी की चाशनी में घोलकर फिर से उबाल लिया जाता है। सूखा पेठा बनाने के लिए इसे सुखा लिया जाता है और गीला बनाने के लिए चाशनी को रहने दिया जाता है। सादा पेठा बनाने में करीब 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत आती है। अब आगरे का तो सिर्फ नाम रह गया है। आगरे के अंदर जहाँ टोंट जाके जमुना जी के पानी से उससे बनता था पेठा, अब तो आगरे से निकल गए सारे कारखाने। अब आगरा के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, सब बाहर है। पेठा भले आगरा का मशहूर हो, अभी आसपास के दूसरे शहरों में भी बनने लगा है। इसकी बड़ी वजह है ताजमहल को प्रदूषण से बचाने की कवायद। कोयला बंद करने से करीब 85% पेठा इकाइयाँ बंद हो गई हैं या पास के दूसरे शहरों में चली गई हैं। पेठे से निकलने वाला कचरा भी बड़ी समस्या है। अक्सर ये शिकायत आती रही है कि इसके कचरे को सार्वजनिक जगहों पर फेंक दिया जाता है, जिससे हैजा, मलेरिया, डेंगू और डायरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए आगरा प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी कि CSE के एक रिपोर्ट के मुताबिक आगरा का नूरी दरवाज़ा, जहां 2013 से पहले 500 से अधिक पेठा बनाने की इकाइयां थी, वो आधे से अधिक बंद हो चुकी हैं। CSE के मुताबिक वर्तमान में यहां करीब सिर्फ 70 इकाइयां ही बची हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र में 10 गुना ज़्यादा पेठे की इकाइयाँ हैं।